सीधा पौलदिया लेकर चलते हैं, जहां पर पर्चा भरने के लिए ममता बनर्जी पहुंच गई है नंदीग्राम सीट से। इस बार वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं और बहुत अहम हो गई है पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट, जहां पर एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ उनके पूर्व सेनापति शुभेंदु अधिकारी हैं। और लगातार नंदीग्राम में हम देख रहे हैं मंदिरों में जाने का सिलसिला और लोगों तक अलग अलग तरीकों से पहुंचने का सिलसिला जारी है दोनों ही दलों की ओर से। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्दिया के एसडीओ दफ्तर की, जहां पर ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से नामांकन करने के लिए वहां पर पहुंच गई हैं। और इस वक्त ये तस्वीर बहुत अहम है, एक तरफ ममता बनर्जी नामांकन कर रही हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में रोड शो चल रहा है। कुंतल चक्रवर्ती मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हल्दिया से हमारे साथ। कुंतल, तस्वीरें हम देख रहे हैं ममता बनर्जी पर्चा भरने के लिए पहुंच गई है वहां पर। जी बिल्कुल, अंदर चली गई है ममता बनर्जी एसडीओ बिल्डिंग के अंदर, और बाहर हजारों के तादाद में समर्थक है। कल ममता बनर्जी का जो छोटा भाई है बाबुन बनर्जी, उनसे मैंने बातचीत किया था, तो उनका कहना था कि 1 बजे से 3 बजे के अंदर उनके घर में जो पुजारी है या जहां मतलब ममता बनर्जी बहुत मानती है जगन्नाथ देव की मंदिर पुरी में, वहां के पुजारी से भी वो लगातार बातचीत करते रहते पूरे साल भर, तो वहां भी पुजारी ने कहा है कि 2 बजे से लेकर 2.5 बजे के अंदर ये जो समय है ये सबसे अच्छा समय है नामांकन भरने का, तो इसीलिए शायद प्रोसेस अब शुरू हो गया है और 2 से 2.5 बजे के अंदर ही ये नामांकन भरा जाएगा, तो यही उनका कहना था। और हालांकि 1 से 3 बजे के बीच में कोई भी समय जो है शुभ समय कहा गया था, तो लेकिन ममता बनर्जी उसी समय पहुंचे हैं ताकि वो नामांकन 2 बजे से 2.5 बजे के अंदर ही भर पाते, क्योंकि यही वो समय है जो ये आधा घंटा जो पुजारी ने कहा है सबसे अच्छा समय है, क्योंकि परिवार के सूत्र से ये खबर सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि 2 बजे से 2.5 बजे के अंदर ही ये जो फाइनल पेपर्स है, जो नॉमिनेशन पेपर्स है, वो सबमिट किया जाएगा। कुंतल, भवानीपुर सीट छोड़ के ममता बनर्जी नंदीग्राम में पहुंची है, एक तरीके से बीजेपी ने जो चुनौती दी थी वो उस चुनौती का जवाब भी चुनौती से ही दे रही है। तस्वीरें इस वक्त ये है, मैं एक तरफ यहाँ पर ये नामांकन हो रहा है हल्दिया में, दूसरी तरफ नंदीग्राम में रोड शो कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, तो तमाम टीएमसी कार्यकर्ता है, उनका क्या कहना है वहां पर? आप मौजूद है लगातार, उन लोगों से भी आपकी बात हो रही होगी। जी बिल्कुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं यहाँ के जो समर्थक है, क्योंकि देखिए नंदीग्राम एक ऐसा जगह है जहाँ से आंदोलन शुरू की थी ममता बनर्जी ने 2007 में, और वहीं से आप कह सकते लेफ्ट सरकार की पतन हुई थी, 34 साल लेफ्ट सरकार जहां राज की थी बंगाल में, नंदीग्राम और सिंगूर ऐसा जो दो जगह है जो कि आंदोलन की भूमि माना जाता है, और इसीलिए ममता बनर्जी ने पिछले दिन जब नंदीग्राम में पहली बार वो पहुंची है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद, वहां जाकर ममता बनर्जी ने यही कहा था कि इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि नंदीग्राम चुनाव लड़ने। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा है, इसी वजह से ये सेफ सीट है, भवानीपुर से ये सेफर है, इसीलिए ममता बनर्जी ने इसको चुना है, लेकिन टीएमसी का कहना है अगर उनको सेफर ऑप्शन चुनना था तो शायद वो 2 सीट से लड़ती, लेकिन वो ना करके अपने होम ग्राउंड छोड़कर वो आई है एक ऐसी जगह जो कि शुभेंदु अधिकारी का घर माना जाता है, होम ग्राउंड माना जाता है, तो विरोधी खेमे के सबसे बड़े जो चेहरा है शुभेंदु अधिकारी, उनको सीधा उन्हीं के होम ग्राउंड में चैलेंज करने के लिए आई है ममता बनर्जी, ये कहना है तृणमूल कांग्रेस का। नतीजा क्या होगा, क्या ये प्लॉय, ये जो स्ट्रैटेजी है सक्सेसफुल होगा कि नहीं, तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है उनका हर्षोल्लास यहाँ देखने को मिल रही है।